हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी ते। हाँ जी, अज दी वीडियो विच आपां साइंस दे बेस्ट 250 प्लस एमसीक्यू सीरीज दा सेकंड पार्ट करांगे। हाँ जी, ए एमसीक्यू वार्ड अटेंडेंट दी तैयारी करे विद्यार्थियों लई काफ़ी हेल्पफुल साबित होणगे। इस तों इलावा जिहड़े साथी ईटीटी केडर, मास्टर केडर या फिर पंजाब पटवारी की तैयारी कर रहे ने, उन्हां लई भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होण वाली है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी आज दी वीडियो नू। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं साढ़े आज दे फर्स्ट क्वेश्चन तो। नवे जन्मे बच्चे विच किन्नियां हड्डियां होंदियां हन? हाँ जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी। नवे जन्मे बच्चे विच किन्नियां हड्डियां होंदियां हन? साढ़े कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा जी 206, सैकेंड दिता है 230, थर्ड ऑप्शन हैगा 240 ते फोर्थ दिता है 300। हाँ जी, नवे जन्मे बच्चे विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने? 300। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इस तों इलावा जेकर पूछा जाए कि साधारण मनुख विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने, तां अपना आंसर है जिहड़ा फर्स्ट है जिहड़ा वह करैक्ट हो जाएगा, 206। हाँ जी, साधारण मनुख विच 206 हड्डियां होंदियां हन। जेकर पूछा जाए कि साढ़े शरीर विच सब तो वड्डी हड्डी कीड़ी होंदी है, तो सब तो वड्डी हड्डी होंदी है जी फीमर हड्डी होंदी है सब तो वड्डी, जिन्हों कहिंदे ने जांग दी हड्डी। इस तों इलावा जेकर तुहाडे कोल पूछ लिया जावे कि सब तो छोटी हड्डी कीड़ी होंदी है, तो सब तो छोटी हड्डी होंदी है जी स्टेपिन। साढ़े मनुखी कन्न विच तीन हड्डियां होंदियां ने, जिन्हां विचों सब तो छोटी हड्डी होंदी जी स्टेपिन, ये होंदी जी कन्न विच। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, धरती ते सब तो वड्डा जिउंदा पंछी केड़ा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। धरती ते सब तो वड्डा जिउंदा पक्षी केड़ा हैगा जी? शतुरमुर्ग। ऑप्शन बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इस तों इलावा जेकर पूछ लिया जाए कि सब तो छोटा पक्षी केड़ा हुंदा है, तो सब तो छोटा पंछी होंदा जी गुंजन पंछी, जिन्हों सेकंड नेम की हैगा जी हैमिंग बर्ड जिन्हों कहा जाता है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, मनुख दे खून दा पीएच मान किन्ना हुंदा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, बहुत बार एग्जाम विच रिपीट हो चुके हैं। मनुख दा खून दा पीएच मान किन्ना हुंदा है? हाँ जी, चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा 7.2, सैकेंड दिता जी 7.4, थर्ड ऑप्शन हैगा 7.6 ते फोर्थ दिता जी 7.9। हाँ जी, मनुखी खून दा पीएच मान जिहड़ा हुंदा है वह हुंदा जी 7.4, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, मनुखी खून का पीएच हुंदा है 7.4। इस तों इलावा जेकर अपने कोल पूछ लिया जाए कि मनुखी लार का पीएच मान किन्ना हुंदा है, तो मनुखी लार का पीएच मान हुंदा जी 6.5। जेकर पूछ लिया जाए कि दुध का पीएच मान किन्ना हुंदा है, दुध का पीएच किन्ना हुंदा जी 6.4। तो जेकर पूछ लिया जाए कि नींबू का पीएच किन्ना हुंदा है, नींबू का पीएच मान हुंदा जी 2.4। फिर तो रिपीट कर देने, मनुखी खून का पीएच मान हुंदा 7.4, मनुखी लार का पीएच मान हुंदा 6.5, दुध का पीएच मान हुंदा जी 6.4, तो नींबू का पीएच मान हुंदा 2.4। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, विटामिन सी का रसायनिक नाम की है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, विटामिन सी का रसायनिक नाम की है? साढ़े को चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फर्स्ट हैगा जी साइट्रिक अमल, सैकेंड दिता है एसकोरबिक अमल, थर्ड ऑप्शन हैगा ऑक्जेलिक अमल, तो फोर्थ हैगा नाइट्रिक अमल। हाँ जी, विटामिन सी का जिहड़ा रसायनिक नेम हैगा वह हैगा जी एसकोरबिक अमल। ऑप्शन बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, एसकोरबिक अमल।
हाँ जी विटामिन सी है जी सब तो ज्यादा या फिर कह सकते हैं सब तो चंगा स्रोत केड़ा है विटामिन सी का संतरा। संतरा जड़ा है विटामिन सी का सब तो चंगा स्रोत है। तो विटामिन सी की कमी के नाल केड़ा रोग हो जाता है सक्करवी। सक्करवी रोग जड़ा विटामिन सी की कमी के नाल हो जाता है। तो विटामिन सी जड़ा आपां सूत्र भी कर लें इनका सूत्र की होंगे जी इनका सूत्र होंगे C6H8TO6। फिर तो रिपीट कर देने विटामिन सी का जोड़ा रसायनिक सूत्र होंगे C6H8TO6। तो इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है सक्करवी। तो सब तो चंगा स्रोत किनू मनिया जाता है संतरे। हाँ जी इस तो अलावा बाकी ऑप्शन भी पढ़ लें। ऑप्शन फर्स्ट दिता जी साइट्रिक अमल जी। साइट्रिक अमल की जेकर गल करिए अमल है जोड़ा खट्टे फलों में पाया जाता है या फिर आप कह सकते हैं यह जोड़ा अमल है ये नींबू के रस तो भी तैयार किया जाता है। नींबू के रस तो तैयार किया जाता है जिहड़ा साइट्रिक अमल है नींबू के रस तो तैयार किया जाता है। इसका भी आपां फॉर्मूला दस दें सूत्र इहदा जिहड़ा है साइट्रिक अमल का C6H8TO7। ये तुसी याद रखना जी जिहड़ा एसकोरबिक अमल का है वह है C6H8O6 ते साइट्रिक अमल का है जी C6H8TO7। इस तो अलावा ऑप्शन सी दिता है जी ऑक्जेलिक अमल। ऑक्जेलिक अमल है जिहड़ा पोटाशियम ते कैल्शियम लवण के रूप में पौद्यां विच पाया जाता है। जिहड़ा ऑक्जेलिक अमल है ये पोटाशियम ते कैल्शियम दे रूप में जिहड़ा पौद्यां विच पाया जाता है। ऑप्शन डी दिता है जी नाइट्रिक अमल। नाइट्रिक एसिड की जेकर आप गल करिए इहदा जिहड़ा यूज किहदे विच हुंदा है डाई बनाने वास्ते दवाई बनाने वास्ते डाइज बनाने वास्ते दवाई बनाने वास्ते मेडिसिन बनाने वास्ते ते विस्फोटक पदार्थ बनाने वास्ते। जिहड़ा विस्फोटक पदार्थ बनाने वास्ते इहदा जिहड़ा यूज हुंदा है नाइट्रिक अमल का। इहदे भी आपां फॉर्मूले की गल करिए इहदा फॉर्मूला जिहड़ा की हुंदा है इहदा फॉर्मूला जी HNO3 HNO3। ये तुसी कॉपी ते नोट करना है काफ़ी मिक्स हो गया फिर तो रिपीट कर देना जी। सब तो पहला आप पढ़िया जी विटामिन सी का रसायनिक नाम की हैगा जी तो इसका रसायनिक नाम है एसकोरबिक अमल। तो सब तो चंगा स्रोत है जी संतरा। इसकी कमी के नाल केड़ा रोग हो जाता है सक्करवी। तो इसका फॉर्मूला की हैगा सी ये तुसी नोट करना जी C6H8TO6 एग्जाम विच काफ़ी बार जिहड़ा पूछ लिया गया है। तो उस तो बाद साइट्रिक अमल की आप गल की सी इसका सूत्र की है C6H8O7। तो यह जरा कि नींबू के रस तो तैयार किया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन सी है जी ऑक्जेलिक अमल। तो यह पोटाशियम तो कैल्शियम के अमल के रूप सॉरी लवण के रूप पौद्या पाया जाता है। ऑप्शन डी की है नाइट्रिक अमल। तो नाइट्रिक अमल के आप यूज ही करने हैं ये डाई वास्ते मेडिसिन बनाने वास्ते विस्फोटक पदार्थ बनाने वास्ते यूज होंगे। इनका फॉर्मूला की है सी HNO3। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी साडा नैक्सट क्वेश्चन है मनुखी शरीर की सब तो वड्डी एंडोक्राइन ग्रंथी केड़ी है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है थायराइड ग्रंथी। सैकेंड ऑप्शन दिता जी पेरा थायराइड ग्रंथी। थर्ड ऑप्शन है एंट्रीनल ग्रंथी। तो फोर्थ है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी मनुखी शरीर की सब तो वड्डी एंडोक्राइन ग्रंथी केड़ी होंदी है जी। तो यह होंदी है जी थायराइड ग्रंथी। ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा थायराइड ग्रंथी। हाँ जी यह होंदी है जी अंदर दी एंडोक्राइन मतलब अंदर दी ग्रंथी। अंदर दी ग्रंथी सब तो वड्डी अंदर दी ग्रंथी केड़ी होंदी थायराइड ग्रंथी। जेकर पूछ लिया जाए कि मनुखी शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथी केड़ी होंदी है तो सब तो वड्डी ग्रंथी होंदी लीवर। मनुखी शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथी केड़ी होंदी है लीवर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी।
नैक्सट क्वेश्चन हैगा एडवर्ड जेनर ने हेठ लिखियां विचों केड़े रोग नाल जिहड़े संबंधित हैगे ने। हाँ जी एडवर्ड जेनर जिहड़े साइंटिस्ट रहे ने वह हेठ लिखियां विचों केड़े रोग नाल संबंधित ने। हाँ जी चार तरह के रोग दिते हुए ने। फस्ट हैगा जी लकबा, सेकंड दिता है चेचक, थर्ड हैगा एड्स, ते फोर्थ दिता है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी आपां दसना है एडवर्ड जेनर जिहड़े साइंटिस्ट ने वह केड़े जिहड़े रोग नाल संबंधित ने। हाँ जी तो यह संबंधित ने सी चेचक नाल, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की सी। की नाम से विज्ञानिक का? एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की सी। इस तो अलावा जेकर तुहानू पूछ लिया जाए पेंसिलीन की खोज किने की सी, पेंसिलीन की खोज किने की सी, तो इन्होंने जिहड़ी खोज की सी उन्होंने वैज्ञानिक का नाम सी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग, अलेक्जेंडर फ्लैमिंग। इस तो अलावा तुसी कमेंट बॉक्स च दसना है जी एक टेस्ट होंदा है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, ये तुसी दसना है जी ये किस रोग नाल संबंधित है, किस रोग दे लई आपां ये टेस्ट जिहड़ा करवाउने आ, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, ये तुसी कमेंट बॉक्स च दसना है कि ये किस रोग दे लई करवाया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। जी साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा एंजाइम की है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एंजाइम की है, साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिता जी चर्बी, सैकेंड ऑप्शन हैगा आर एन ए, थर्ड हैगा जी प्रोटीन, तो फोर्थ दिता है इन्हों विचों कोई नहीं। हाँ जी एंजाइम जोड़ा होंगे वो एक तरह के की होंगे ने प्रोटीन, प्रोटीन ही की कहा जाता है एंजाइम। इस तो अलावा दिता हुआ जी ऑप्शन नंबर बी आर एन ए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा। हाँ जी सैकेंड ऑप्शन दिता हुआ है आर एन ए, एग्जाम विच इस दी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। आर एन ए की फुल फॉर्म की होंगी जी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी जी शेप है जी वो कुछ इस तरह होंगी है, तो एक होंगे जी डी एन ए, इस पाए जाते हैं। इस दी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डी एन ए की फुल फॉर्म की होंगी है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंजाइम की होंगे जी, एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होंगे ने। इस तो अलावा आर एन ए की फुल फॉर्म की है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डी एन ए की है जी डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पेंसिलीन की खोज किस विज्ञानिक ने की सी। साढ़े को चार ऑप्शन ने, फर्स्ट दिता है अलेक्जेंडर फ्लैमिंग, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी लुईस पाश्चर, थर्ड ऑप्शन हैगा सी वी रमन, तो फोर्थ है जी एडवर्ड जेनर। हाँ जी पेंसिलीन की खोज किन्ने की सी। हाँ जी पेंसिलीन की खोज की सी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। पेंसिलीन की खोज किन्ने की सी जी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग। इस तो अलावा पूछ लिया जाए जेकर रेबीज की खोज किन्ने की सी, रेबीज दे टीके की, रेबीज के टीके की खोज किन्ने की सी लुईस पाश्चर ने, ऑप्शन नंबर बी अपना जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। कदों की सी इन्होंने की सी 1886। इस तो अलावा जेकर पूछ लिया जाए कि चेचक के टीके की, चेचक के टीके की खोज किन्ने की सी, तो यह की सी जी एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा जेकर पूछ लिया जाए कि चेचक के टीके की खोज किन्ने की सी। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी बचे सी वी रमन, तो इन्होंने किनकी खोज की सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, रमन प्रभाव की खोज की सी सी वी रमन जी ने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की सी इन्हों 1930 इस जिहड़ा नोबल पुरस्कार भी
मिले सी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। साडा नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है संसार का सब तो लंबा पौधा केड़ा है जी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वैसे जिन्हें भी क्वेश्चन मैं करा रहा सारे के सारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ने क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम विच बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है यूकिलिपिटस, सैकेंड दिता जी टेरो क्रॉप्स, थर्ड ऑप्शन है गन्ना, तो फोर्थ दिता जी इन्हों कोयड़ी। हाँ जी आप दसना है संसार का सब तो लंबा पौधा केड़ा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फस्ट है जोड़ा अपना करेक्ट है जेगा लुकी सॉरी लुके पीटस, लुके पीटस इस तरह तुम याद रखना जी। इन ऑप्शन नंबर फस्ट है जोड़ा अपना करेक्ट हो जाएगा। इस तो इलावा जेकर पूछा जाए कि संसार का सब तो लंबा घा केड़ा है, संसार का सब तो लंबा घा तो यह कड़ा होंगे जी बांस, बेंबू जिन्हों कहा जाता है इंग्लिश में। संसार का सब तो लंबा घा केड़ा है जी बांस। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी वो एकमात्र पंछी जेड़ा सॉरी वो एकमात्र पक्षी केड़ा है जेड़ा पीछे की तरफ उड़ता है, जेड़ा उल्ट उड़ता है वो पक्षी आप दसना है जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है जी कां, सैकेंड दिता है कोयल, थर्ड दिता जी मोर, तो फोर्थ है गुंजन पक्षी। हाँ जी वो एकमात्र पक्षी केड़ा है जेड़ा पीछे की तरफ उड़ता है, तो वह पक्षी है जी गुंजन पक्षी जिन्हों हैमिंग बर्ड भी कहा जाता है, गुंजन पक्षी सब तो छोटा पक्षी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन में की कहा जाता है। हाँ जी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है फूलों के अध्ययन में की कहा जाता है। साढ़े को चार ऑप्शन दिए ने। फस्ट है एथोलॉजी, सैकेंड ऑप्शन दिता जी एग्रेस्टोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है फिनोलॉजी, तो फोर्थ है पेलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन में की कहा जाता है एथोलॉजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फस्ट है जोड़ा अपना वो करैक्ट हो जाएगा। इस तो अलावा सैकेंड ऑप्शन दिता जी एग्रेस्टोलॉजी, तो घा के अध्ययन की कहा जाता है एग्रेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी दिता जी फिनोलॉजी, तो पौधे ते पशु के जीवन चक्र दीयां घटनावां दा अध्ययन, पौधे ते पशु दे जीवन चक्र दे घटनावां दा अध्ययन उन्हों की कहा जाता जी फिनोलॉजी। तो फोर्थ जो अपना बचा है पेलिनोलॉजी, तो स्टडी ऑफ डस्ट, स्टडी ऑफ डस्ट जिहड़े धूड़ के कणा की या फिर धूड़ की जी आप स्टडी करते हैं उन्हों की कहा जाता है पेलिनोलॉजी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है दुध का दही विच बदलना इसका की कारण है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। दुध तो दही बनना इसका की कारण है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट ऑप्शन है जी माइक्रो बैक्टीरियम, सैकेंड ऑप्शन दिता है खमीर, थर्ड ऑप्शन दिता है जी लैक्टोबैसिलस, तो फोर्थ है इन्हों कोई नहीं। हाँ जी दुध तो दही बनना, तो ये किसके कारण बनता है जी लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी है जोड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो अलावा दुध की जेकर गल आई है तो एक क्वेश्चन बनता है दुध की शुद्धता मापन लिए आप केड़ा यंत्र यूज करते हैं, दुध की शुद्धता लई केड़ा आप यंत्र यूज करते हैं, तो वह होंगे जी लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट अपना क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों केड़ा एक तना है जी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है गाजर, सैकेंड दिता है मटर, थर्ड ऑप्शन है नारियल, तो फोर्थ दिता है आलू। इन्हों आप दसना है कि केड़ा एक तना है। हाँ जी इन्हों जो ऑप्शन डी है जोड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा आलू। आलू एक की है जी तना। इस तो अलावा प्याज,
हल्दी, ये भी किने तणा ने, आलू प्याज हल्दी ये सारे किने तणा ने। इस तो अलावा ऑप्शन फर्स्ट दिता है गाजर, तो गाजर एक की है जड़, गाजर की है जी एक जड़। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता जी जुकाम किस कारण होंगे, हाँ जी साढ़े को चार ऑप्शन दिते ने, फर्स्ट है जीवाणु, सैकेंड दिता कवक, थर्ड ऑप्शन है विषाणु, तो फोर्थ दिता है प्रोटोजोआ। हाँ जी आप दसना है जुकाम किस कारण होंगे, तो जुकाम किस कारण होंगे जी विषाणुओं के कारण, ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। जुकाम एक जिहड़ा वायरस के कारण होंगे, तो वायरस किहदे नाल फैलदा जी विषाणुओं के कारण, ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी विश्व में सब तो तेजी नाल वधण वाला पौधा किहड़ा है, जी चार ऑप्शन दिते हुए ने, आपां दसना है कि विश्व में सब तो तेजी नाल वधण वाला पौधा किहड़ा है। फर्स्ट दिता है बांस, सैकेंड दिता है चावल, थर्ड है जी मनी प्लांट, तो फोर्थ है टीक। जी सब तो तेजी नाल जिहड़ा वधदा है वह है जी बांस, जिहड़ा कि एक तरह का घाह है, ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता है मनुखी शरीर सब तो छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड किहड़ा है, फिर तो रिपीट कर देने जी मनुखी शरीर सब तो छोटा जिहड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड किहड़ा है, साढ़े को चार ऑप्शन दिते हुए हैं, फर्स्ट है एंड्रीनल, सैकेंड ऑप्शन दिता है पिट्यूटरी, थर्ड ऑप्शन है पाचक, तो फोर्थ दिता है थायराइड ग्लैंड। हाँ जी मनुखी शरीर सब तो छोटी जिहड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कि है, तो वह है जी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा अपना इस क्वेश्चन का करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी पिट्यूटरी ग्रंथि जिहड़ी अंदर की सब तो छोटी ग्रंथि है। इस तो अलावा जेकर पूछा जाए कि अंदर की सब तो वड्डी ग्रंथि, तो अंदर की सब तो वड्डी ग्रंथि है जी थायराइड ग्रंथि, अंदर की सब तो छोटी हैगी पिट्यूटरी, तो अंदर की सब तो वड्डी थायराइड, जेकर पूछा जाए कि शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथि कि है, तो वह होगी जी लीवर। जेकर पूछा जाए कि मनुखी शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथि कि है, तो उसका आंसर किहड़ा होगा जी लीवर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है प्याज विच खाण वाला भाग किहड़ा हुंदा है, साढ़े को चार ऑप्शन दिते हुए हैं, फर्स्ट है पत्ता, सैकेंड दिता जी जड़, थर्ड ऑप्शन है तना, तो फोर्थ दिता है फुल। हाँ जी प्याज का जिहड़ा खाण वाला हिस्सा हुंदा है वह हुंदा जी तना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना वह करैक्ट हो जाएगा, तना जिहड़ा ऑप्शन है वह करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है गुर्दे की कार्यशील इकाई केड़ी है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। गुर्दे की कार्यशील इकाई केड़ी है, साढ़े को चार ऑप्शन दिए ने, फर्स्ट है एक्सॉन, सैकेंड ऑप्शन दिता जी न्यूरॉन, थर्ड ऑप्शन है नेफ्रॉन, तो फोर्थ है धमनी। हाँ जी आप दसना है गुर्दे की कार्यशील इकाई केड़ी हैगी, तो गुर्दे की जिहड़ी कार्यशील इकाई हैगी है वह हैगी जी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो इलावा दिमाग की कम करन दी इकाई, जेकर तुहानू पूछा जाए कि दिमाग की कम करन दी इकाई, दिमाग की कम करन दी इकाई जेकर तुहानू पूछा जाए तो आंसर किहड़ा हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी, दिमाग की कम करन दी इकाई कि है जी न्यूरॉन। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। साडा नैक्सट क्वेश्चन है गया अपने शरीर विच चमड़ी के थले चर्बी किस दे विरुद्ध काम करती है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, अपने शरीर विच चमड़ी के थले चर्बी किस दे विरुद्ध काम करती है। जी चार ऑप्शन दिते ने, फर्स्ट है शरीर विच तापमान की हानि ना हो, सैकेंड ऑप्शन है खून को रोकने लिए, थर्ड ऑप्शन दिता जी पानी रोकने लिए, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी अपने शरीर विच चमड़ी के थले चर्बी किस दे विरुद्ध दे लई काम जिहड़ा करती है, तो किस दे लई करती है जी शरीर विच ऊर्जा की हानि तो बचने लिए, शरीर विच ऊर्जा की हानि तो बचने लिए, यानी कि
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, शरीर में तापमान की हानि ना हो। इस दे लई जिहड़ा की है अपने शरीर में चमड़ी के थले चर्बी ये काम करती है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा है कित्थे काम करने वाले लोगों नूं जिहड़ा काला फेफड़िया का रोग हो जाता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। साढ़े को चार ऑप्शन दिए होने, फर्स्ट है कपास उद्योग, सैकेंड दिता है सीमेंट उद्योग, थर्ड ऑप्शन है जी कोला उद्योग, तो फोर्थ है इन्हों विचों कोई नहीं। हाँ जी, आपां दसना है कि कित्थे काम करने वाले लोगों नूं काला फेफड़िया का रोग हो जाता है। हाँ जी, तो इन्हों विचों कोई नहीं, क्योंकि कोयले की खान विच काम करने वाले लोगों नूं कौन रोग हो जाता जी, काला फेफड़िया का रोग, जिहड़े कोयले की खान विच काम करते हैं उन्हां लोगों नूं कौन रोग हो जाता जी। इत्थे तुहानूं विजिबल नहीं हो रहा, इत्थे दिसदा जी काला फेफड़िया का रोग। इस तों इलावा जेकर पूछा जाए कि सफेद फेफड़िया का रोग किहड़े लोगों नूं हुंदा है, तो सफेद फेफड़िया का रोग हो जाता जी जिहड़े टैक्सटाइल मिलों में काम करते हैं। टैक्सटाइल मिलों में जिहड़े काम करते हैं उन्हां व्यक्तियों नूं किहड़ा रोग हो जाता है, सफेद फेफड़िया का रोग जिहड़ा हो जाता है। हाँ जी, अज की वीडियो इतें समाप्त करांगा, उम्मीद करांगा तुहानूं वीडियो चंगी लगी होगी। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक करियो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो। हाँ जी, तुहाडे एक एक लाइक दे नाल जिहड़ा मैनूं हौसला मिलता जी वीडियो बनाउण दा, ते ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं मेहरबानी नाल शेयर करना है वीडियो नूं जिथे भी हो सके, वट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ते होर जिथे भी तुसीं जिहड़ा की है वीडियो नूं शेयर करनी है ज़्यादा तो ज़्यादा। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से, उदों तक दे लई टेक केयर।